न्यूज 19 में मैं प्रोफेसर सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में सेंट एंजेला सोफिया स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स आज एकजुट होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि वह सभी पेरेंट्स नो स्कूल नो फीस की वजह से एकजुट होते हुए नजर आए हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना व लॉकडाउन से अभी तक किसी भी स्कूल को नहीं खोलने का आदेश केंद्र राज्य सरकार दे चुकी है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अजमेर में पहले ही बयान दे दिया कि नो स्कूल नो फीस। उसके बावजूद भी जयपुर के घाट गेट स्थित सेंट एंजेला सोफिया स्कूल की ओर से सभी माता पिता ऊपर फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि यदि फीस जमा नहीं कराई गई तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर बच्चों के पेरेंट्स सेंट्रल पार्क में बड़ी संख्या में पहुंचे। थैंक्स कहते हुए मेरे साथी ने जो अपने व्यूज दिए हैं सोफिया स्कूल के बारे में, एंजेला सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में, ये बिल्कुल जेन्युइन है। अगर स्कूल चल नहीं रहा है तो नो स्कूल नो फीस वाला नारा देने के लिए हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं इसका समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सोफिया एंजेला एक ऐसा स्कूल है जिसका राजस्थान के जितने भी सोफियन स्कूल्स हैं उसके अंदर फीस जस्ट ढाई गुना है, तो इसको भी रैशनलाइज किया जाए। इसका प्रूफ चाहें तो प्रूफ भी दिया जा सकता है, चाहे आप कोटा का देख लीजिए, चाहे अजमेर का देख लीजिए, चाहे चूरू का देख लीजिए, चाहे जोधपुर का देख लीजिए। यहाँ की जयपुर सोफिया एंजेला के स्कूल की फीस के अगेंस्ट देखा जाए तो 1/3 फीस होगी वहाँ की, तो इसको एक रैशनलाइज किया जाए। ये अननेसेसरी पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ाया गया हुआ है, जबकि स्कूल के टीचर्स की स्ट्रेंथ देखें तो वो सेम है, कैंपस की स्ट्रेंथ देखें तो वो सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है। और ये सारे स्कूल्स एक ही मिशनरी ट्रस्ट के तहत गवर्न होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को रिलैक्स देते हुए इस लॉकडाउन के इम्पैक्ट को देखते हुए एक तो करंट में नो स्कूल नो फीस का मैं समर्थन करता हूँ, साथ ही साथ फर्दर जो रेगुलर फीस है उसमें भी इसको कंसिडर करते हुए रैशनलाइज किया जाए। अशोक शर्मा सर, हम ये जैसे स्कूल से मैसेज आ रहा है, हम सभी पेरेंट्स सेंट एंजेला सोफिया स्कूल घाटगेट के पेरेंट्स हैं, हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं उनको CBSE के रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस जमा कराना अनिवार्य है। कल 10 तारीख लास्ट है, काफ़ी सोच समझ के हमने ये मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया कि जब तक स्कूल नहीं चल रहे तो हम फीस जमा कराने में असमर्थ हैं। उसके बाद जब तक नो स्कूल नो फीस का केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसी हिसाब से स्कूलों को मान्यता देते हुए हमें कम से कम सितंबर तक नो स्कूल नो फीस के रूल पे चलते हुए हमें समर्थन करना होगा। स्कूल की तरफ से क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? स्कूल की तरफ से हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि CBSE का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको फीस जमा करवाना अनिवार्य है। मंत्री जी ने एक बार बोला लेकिन स्कूल प्रशासन इस ओर मान नहीं रहा है और इसके लिए हम दोबारा मंत्री जी को भी प्रसंज्ञान में लाएंगे और मैं साथ में मंत्री जी और हमारे जो संवेदनशील CM साहब हैं उनको भी आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज पेरेंट्स इतना डेमोलाइज हो चुका है कि आने वाले समय में अगर स्कूल प्रशासन का अगर यही हालत रही तो कुछ पेरेंट्स हो सकता है सुसाइड तक भी कर लें, जिसका ना तो स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब रहेगा और ना शिक्षा मंत्री जी के पास कोई जवाब रहेगा ना मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब रहेगा। डिसीजन लिया फीस को लेकर, कल जमा कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं सर, हमने ये निर्णय लिया है कि हम कोई भी फीस जमा नहीं कराएंगे। नाम बता दो। मेरा नाम अनिल अग्रवाल भीमपुरिया है, मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। इस खबर का सत्ताई देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।